कोशुजिन सामा, कोशुजिन सामा, कोशुजिन सामा। राम राम जी। और ले रहे हो तुम सारे मौज? तो भाई आज की अपनी वीडियो है नकली मास्टर पार्ट टू। तो भाई बात यू है कि भाई घने दिन हो गए, घने दिन बाद तो बेचारी दर्शन दिए। मुझे लगा वो थाईलैंड से वापिस आते आते थकान हो गई उसकी। जेट लैग हो गया उसको। तो वो वीडियो भी के बनाई, वो जिसने पहले बना रखी है वही शिकारी है। अरे कुछ नया तो सिखा देती, बालक थक चुके हैं सीख सीख। जो टॉपिक तेरे अधूरे रह रहे थे वो तो पढ़ा देती। चौथा पांचवा छठा गायब हो गया, दस सातवा मना लग गया। रास्ते में तेरे को खाना भी नहीं मिला, दो चैप्टर ही खा गई। इसे इनकम्प्लीट सिलेबस पढ़ा होगी। तो भैया उनके लड्डू आ जाएंगे अगर जाम में। एक तू खा लिया, एक वो खा लेगा। भैया लिखना भी सिखा देती, बोलने से काम नहीं चल रहा। भाई तड़की तड़क घड़ी सी बड़क सी होगी। गर्मी घड़ी हो रही थी तो सोचा भाई थोड़ी दौड़ दौड़ मार के आया। तो अपने घर के पीछे पड़ता है दो बुसुएन। तो भाई पहुंच गए दौड़ बड़ा तो मारते। तो देखा भाई चिड़ियाघर बंदर चिल्ला रहा, इधर से उधर घूमता फिर रहा था। मैंने कहा तेरे को भी कीड़ा चाहिए। केड़ा तो लेके दिया भाई, कल मिलियो तू, कल देंगे तेरे केड़ा। तो भाई शेर दिख गया वा। मैं कहा कल मिला था तू किसी से। क्या बोला? वो भी खाना ना देगा तेरे को, भूखा रह गया। मैं सोचू तेरी कांच सी क्यों टूटने वाली। दे दिया इनका, भाई अगली बार मैं आऊंगा ना तेरे लिए लेके आऊंगा कुछ। हो सके तो वो जो क्या बोलते हो ड्राई फ्रूट खा लेगा तू। शेर को भाई ड्राई फ्रूट चल रहे हैं, खा लेगा तू। बोला कुछ मिल जाओ याद समझ में कोई दे दो बस। मैंने कहा तू पानी से काम चला ले अभी। ये सोचियो बर्तन हो गया तेरा आज का। तो वही बात, थक गया बेचारा। मैंने कहा कोई नहीं आराम कर तू अभी। कल मिलेंगे तेरे से, उसको उस बंदर का किला देना और तेरे ड्राई फ्रूट। काम 35 होएगा पूरे, अधूरा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो भाई अगले दिन फिर गए शेर धुरा। तो शेर दे दिए भाई ड्राई फ्रूट से। तो खाके तो जीस आ गया। मन ना पूछी भाई तन्ने किसी को जिंदगी दे दी क्या अपनी। धोखे में दे दी कि प्यार हो गया तेरे को भी खतरी। मैं कहीं से हालत तो मजनू लैला वाली कहानी की होती। तो शेर बोलता ये बात किसने बोली? साला बंदर हो गया चुगलखोर। कल पर सपने दौरे एक बंदा आया था तो जानकारी। तो
उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया था। वो लोग ड्रम में तो करते हैं, वो मैकडोनल्ड दे दोगे हैं, एक टाइम का खाना दे दोगे और ऊपर से वो भी अनहेल्दी फूड उसको दे के, पीछे ने कई दिन से ना खाया और अनहेल्दी फूड खा के उसका पेट ख़राब हो गया, इतने पैसे भी नहीं, अगला डॉक्टर को दिखा ली। तब मैं सोचा उसको कुछ तो हेल्प करनी है तो अच्छी सी की जाए ताकि बंदा सर्वाइव कर जाए कुछ दिन। तो भाई मन ने क्या करा उसको, भाई मैंने उसको 14 मन दे दिए कि मैंने कहा चल कोई नहीं तू दे दियो, जब अगर तेरा मन हो तो दे दियो भाई कोई बात ना, और तेरा किराया विराया जो पेंडिंग है उसको दे दियो थोड़ा बहुत, और तेरे को बोल रहा था कि एक दो हफ्ते में उसकी नौकरी लग जाएगी पर ना जब तक तू सर्वाइव कर लेगा नहीं कोई बात नहीं, कोरोना टाइम में हमें पता सारी दुनिया इतनी हो रही क्या करेंगे, पैसा कर जिंदा रहे तो पैसा भाई और कमा लेंगे। इसलिए भाई मैंने कहा चल ठीक है, इतना बड़ा तो दान है ही नहीं, इतनी मदद तो कर ही सकते हैं, वैसे भी हम जाटों का दिल बड़ा बहुत बड़ा होता है। तो इस बात पे याद आया कि जापान में भाई मदद की परिभाषा बदल गई है कि जापान में लोगों को खाना वाना ना दे के हैं, जापान में व्यू बांटते फिर रहे, वो 2-3 बंदों के साथ धोखा कर दिया उनके व्यू बांटे, उनके साथ कुछ होया भी ना बेचारे, वायरल भी ना हो कुछ भी ना होया, 3-3 बंदे तेरे से कोलैप करके भाग गए, उनकी इतने लुटिया डुबा दी, इतनी गाली बगी